हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एजे अपग्रेडिंग। आज हम देखने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज एन SQL। लास्ट टाइम हम देख रहे थे व्हाट इज एन डेटाबेस एंड डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेटाबेस। उसके अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट कमांड्स कौन से होते, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उस प्लेटफॉर्म हमें कौन प्रोवाइड करने वाला है? हमारा SQL। SQL व्हाट इज SQL, क्या होता है SQL, उसके अंदर हम क्यों उसको यूज़ करते हैं, देन उसके अंदर डिफरेंट कंसेप्ट क्या क्या होते हैं, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट एक्चुअली SQL इन द डेटाबेस। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन इंट्रोडक्शन वी सी SQL इज अ डेटाबेस ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइन फॉर रिट्राइविंग एंड मैनेज द डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस। जो भी हमारे पास डेटाबेस है, SQL का हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करेंगे, देन उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें इंसर्ट करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, कोई और सिंपली हमें डेटा को मैनेज करना है, तो उस सिनारियो के लिए हमें एक स्पेसिफिकली लैंग्वेज आनी चाहिए, वो है हमारे SQL। सो SQL का स्टैंड फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कि वाई हम इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट इज़ एन क्वेरी। क्वेरी इन द सेंस वी गिव सम सेंटेंस टू आवर डेटाबेस। डेटाबेस को हम स्पेसिफिकली एक सेंटेंस फॉरवर्ड करते या रिक्वेस्ट देते एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। उसके लिए हमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है, सो वी कॉल एज अ स्ट्रक्चर क्वेरी, एंड स्पेसिफिकली एक लैंग्वेज की तरह वर्क होता है, सो वी कॉल्ड एज एन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। द SQL इज अ लैंग्वेज टू ऑपरेट अ डेटाबेस। इट इंक्लूड अ डेटाबेस क्रिएशन, डिलीशन, फेचिंग ऑफ रो, मॉडिफिकेशन ऑफ रो। कि हम इसके अंदर क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, कि हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं, डेटाबेस को फेच कर सकते हैं, एंड मॉडिफाई और मल्टीपल हो। सिमिलर इसके लिए आपको कुछ लास्ट जिसमें हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में देखा कि कौन कौन से कीवर्ड थे, कौन कौन से कमांड थे, जैसे लाइक क्रिएट, डिलीट, ड्रॉप, फेच के लिए सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट वगैरह, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेरीज हमारे पास है, कमांड्स है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। देन SQL इज एन ANSI स्टैंडर्ड लैंग्वेज। कि स्पेसिफिक लैंग्वेज हमने जो भी डिज़ाइन किए वो किसने हमें दिए, कि कोई तो होगा उसका ऑथर, कि जिसके थ्रू जिन्होंने क्वेरी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड किया। कि जैसा कि हम मार्केट में जाते हैं तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है, तो सिमिलर SQL क्वेरी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड क्या है, उसको किसने डिज़ाइन किया है? द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इन्होंने क्या किया, हमारी जो SQL क्वेरी लैंग्वेज है उसको डिज़ाइन किया है। बट देयर आर मेनी डिफरेंट वर्जन इन SQL लैंग्वेज। कि सिमिलर हम देख सकते हैं इसके अंदर मल्टीपल्स लैंग्वेज के क्या होते हैं, वर्जन से। कि वर्जन जस्ट लाइक कैसे कि MySQL हो सकता है, MS Access हो सकता है, Oracle हो सकता है, कि हर एक डिफरेंट वर्जन हमें सिमिलर टू SQL डिफरेंट वर्जन देखने को मिलने वाले। कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम व्हाई टू लर्न SQL। कि डिफरेंट वर्जन है हमारे पास, जैसे लाइक हमने बोला कि MySQL है, MS Access है, ओरेकल है, के देन तो हम SQL क्यों यूज़ करें, कि कोई रीज़न है, स्पेसिफिक रीज़न कि हम SQL क्यों यूज़ करें, किसी के पास कोई आइडिया? चलो देखते हैं। द SQL इज एन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेशन एंड रिट्रीवल डेटा एंड स्टोर और रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है, तो रिलेशनल डेटाबेस के लिए हम SQL यूज़ करते हैं। द SQL इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। कि जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस की मल्टीपल्स
डेटाबेस के अंदर हमें रिलेशन देखने के लिए या मल्टीपल्स टेबल्स के थ्रू जो भी रिलेशनल डेटा है उसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एसक्यूएल हमें हेल्पफुल होता है। कि और कौन कौन से लैंग्वेज है मार्केट में, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस के लिए द RDMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक MySQL भी है, MS Access है, ओरेकल है, सेम्बेसिस है, इन्फोमिक्स है, पोर्टगेस एंड SQL सर्वर के डिफरेंट लैंग्वेज है जो जो हम स्टैंडर्डली डेटाबेस के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल्सो दे आर यूजिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज जस्ट लाइक MS SQL सर्वर यूजिंग अ TSQL की। MS SQL के अंदर हम किस तरह से यूज कर सकते हैं SQL को एज लाइक ए TSQL, वो भी एक अलग कंसेप्ट है, वो भी हम देखेंगे। देन ओरेकल यूजिंग अ PL SQL, ओरेकल के अंदर हम SQL को किस तरह से यूज कर सकते हैं PL SQL एंड MX Access वर्जन SQL कॉल्ड एज JET SQL, इन द सेंस इन द नेटिव फॉर्मेट में हम उसको यूज़ करते हैं। उसके ऊपर भी हम अलग से ट्यूटोरियल करने वाले कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि TSQL क्या है, PL SQL क्या है एंड JET SQL क्या है। उसके लिए भी हम कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सम सिंटैक्स आर मस्ट बी चेंज बट ऑलमोस्ट बाकी की चीज़ें सेम होने वाली है। तो नेक्स्ट, अभी हमें पता चला कि हम डिफरेंट वे में भी हमारे SQL को यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक TSQL, PL SQL एंड JET SQL, ये डिफरेंट वर्जन जैसे लाइक हमने बोला था। तो ये हमारे तीन वर्जन, हम ऐसे डिफरेंट वर्जन भी है मार्केट में, आप सर्च कर सकते हो और उसकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज एन डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ एन SQL की। SQL हमें क्या एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, एज मेंशन बिफोर, जैसे कि हमने बिफोर मेंशन किया था कि SQL इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज क्वेरी लैंग्वेज ओवर द डेटाबेस। कि जितने भी डेटाबेस है ऑलमोस्ट हम SQL यूज करते हैं। तो स्पेसिफिकली फर्स्ट उन्होंने दिया है अलाउ यूजर टू एक्सेस अ डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी मल्टीपल्स यूजर्स हमारे पास है, हर एक यूजर को उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम परमिशन देंगे। तो इसके अंदर हमें जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। देन सेकेंड इज एन अलाउ यूजर टू डिस्क्राइब अ डेटा, कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब इन द सेंस क्या है कि जैसे कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो भी क्वेरी हम देखेंगे, तो उसके जो भी पैरामीटर्स से या जो भी डेटा टाइप से उसको हमें देखना होगा। तो हम किस तरह से देखेंगे, बाय यूजिंग अ सिंपली यूजिंग अ डिस्क्राइब कीवर्ड प्लस हमारा जो टेबल नेम है उससे हम हमारा डेटा देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्टिव मैटर में इन द सेंस मेटा डेटा भी हम डेटा का देख सकते हैं एंड हमारे अकॉर्डिंगली डिफरेंट व्यूज भी हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अलाउ यूजर टू डिफाइन अ डेटा इन अ डेटा बेस एंड मैनिपुलेट अ डेटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, डेटा डिफाइन कर सकते हैं। जो भी डेटा टाइप होगा, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इमेज, जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं एंड हमारे अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक स्पेसिफिक टेबल के अंदर हमने कॉलम मेंशन किया एज अ वैर कैर, उसको कैर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डिफरेंट क्वेरी। उसके लिए भी आपको सिंपली क्वेरी पता होनी चाहिए, सो हम उसको भी मैनिपुलेट या मॉडिफाई कर सकते हैं। अलाउ टू एम्बेड विद इन अदर लैंग्वेज यूजिंग SQL मॉडल लाइब्रेरी एंड प्री कंपाइलर। कि जितने भी डिफरेंट लैंग्वेज होंगे हमारे पास, जैसे लाइक सी, जावा, पाइथन, कि हर एक के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारे SQL को अटैच कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जो भी लाइब्रेरी फाइल से एंड कंपाइलेशन सिस्टम होगा उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो
हम जितने भी लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल है उसके साथ उसको अटैच कर सकते हैं। द अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस एंड टेबल्स, कि ऑब्वियसली कि मल्टीपल टेबल्स हम मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, देन उसका यूज होने के बाद उसको ड्रॉप कर सकते हैं। सिमिलर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल टेबल क्रिएट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसको डिलीट या ड्रॉप भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एन क्रिएट एंड मल्टीपल व्यू स्टोर प्रोसीजर फंक्शन इन अ डेटाबेस, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी टेबल है या डेटाबेस है उसको हम हमारे अकॉर्डिंगली, कि हमारे अकॉर्डिंगली हमें कौन सा व्यू चाहिए तो वो व्यू हम हमारे सिलेक्ट क्वेरी के अंदर दिखा सकते हैं। कि जैसे कि हम एक सिलेक्ट स्टार कि नंबर्स ऑफ जितने भी कॉलम्स है सभी देखने हैं या स्पेसिफिक जो कॉलम्स है वो देखने हैं, देन उसके अंदर बाय यूजिंग अ वेयर क्लॉज हम हमारे अकॉर्डिंगली कंडीशन उसके ऊपर रख सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंगली व्यू क्रिएट कर सकते हैं। देन स्टोर प्रोसीजर के इधर वास्ट कंसेप्ट है स्टोर प्रोसीजर का, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर इन द सेंस क्या होगा कि हम हमारे अकॉर्डिंगली क्या करें कि एक प्रोसीजर क्रिएट करें तो उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमें रिपीटेटिवली टास्क जो परफॉर्म करते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं एंड जो भी फंक्शन हो रहा है स्मूथली वहाँ पे वर्क होगा, टाइम सेव होगा हमारा। देन नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन इज एन अलाउ यूजर टू सेट परमिशन ऑन अ टेबल्स एंड प्रोसीजर एंड व्यूज, कि जितने भी मल्टीपल यूजर्स होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन क्या करेगा कि सबको प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेगा, परमिशन देगा जिसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक जो भी चेंजेस होंगे इन द सेंस ऐड अपडेट डिलीट, तो मुझे स्पेसिफिक यूजर को सिर्फ ऐड की परमिशन देनी है, अपडेट और डिलीट की नहीं देनी, सो मैं वो परमिशन उसको मेंशन करूँगा। तो इस तरह से डिफरेंट परमिशन हम सेट कर सकते हैं हमारे डिफरेंट यूजर को। ओके, देन ब्रीफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या हो सकता है, कोई आइडिया? ब्रीफ हिस्ट्री, हिस्ट्री इन द सेंस ऑब्वियस कि उसका स्टार्टिंग कब हुआ, राइट ना, कि स्पेसिफिक जो एसक्यूएल है क्यों कब स्टार्ट हुआ, किसी को आइडिया? कोई नहीं। हिस्ट्री इन द सेंस इन 1970, ओके, इन 1970 डॉक्टर एगर टेड, ओके, ऑफ IBM इज नोन एज द फादर ऑफ रिलेशनल डेटा बेस, कि फादर ऑफ रिलेशनल डेटा बेस, जिन्होंने रिलेशनल डेटा बेस को डिस्क्राइब किया, रिलेशनल डेटा बेस मॉडल फॉर अ डेटा बेस, डेटा बेस सिस्टम के लिए रिलेशनल डेटा बेस का मॉडल जिसने डिस्क्राइब किया वो कौन है, डॉक्टर इदगर। इन्होंने इन 1970s में SQL को इन्वेंट किया। देन आफ्टर फ्यू ईयर्स इन 1974 द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अपीयर, कि 4 साल के बाद ही क्या हुआ कि जो भी लैंग्वेज है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वो क्या किया, इन्वेंट किया गया, अपीयर हो गए, कि जैसे कि जो प्रोसेसिंग हम करते हैं टास्क बाय टास्क तो उसके बाद स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज अपीयर हो गई। देन आफ्टर 4 ईयर इन 1978 द आई बी एम वर्क टू डेवलप अ कोडेड आइडिया एंड रिलीज अ प्रोडक्ट नेम एज सिस्टम आर। ओके, आर लैंग्वेज आपने सुना होगा या आर सिस्टम। ओके, ये किसने डेवलप किया, IBM इन 1978। देन आफ्टर फ्यू ईयर इन 1986 IBM डेवलप द फर्स्ट प्रोटोकॉल ऑफ रिलेशनल डेटा बेस एंड स्टैंडर्डाइज बाय द ANSI। ANSI इन देंस लास्ट टाइम मैंने देखा था अमेरिका नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, कि जो अमेरिका के स्टैंडर्ड है उन्होंने इसको परमिशन दे दी, इसके लिए स्पेसिफिकली प्रोटोटाइप और रूल्स क्रिएट किए। देन द फर्स्ट रिलेशनल डेटा बेस वॉज रिलीज बाय द रिलेशनल सॉफ्टवेयर विच लेटर कम्स टू बी एज ओरेकल। ओके, IBM किसका प्रोडक्ट है, IBM कौन है, जस्ट लाइक कि ओरेकल। ओके, ओरेकल ने क्या किया,
कि जो आईबीएम है उसको आईबीएम थ्रू एसक्यूएल को डेवलप कर दिया। ये हिस्ट्री हो गई। ओके, इफ ये जो बेसिक प्रोसीजर था कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट था कि एप्लीकेशन कौन से है, देन हिस्ट्री क्या है एंड इंट्रोडक्शनरी पार्ट, इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ आपको क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताओ। देन आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ इंस्टा पे होंगे, इंस्टा पे आप ये वीडियो देख रहे होगे तो इसको फॉलो करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।